हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और एक्सेल में हम सीखेंगे क्या। देखिए, एक्सेल में अगर आप बड़े बड़े नंबर्स को लिखते हैं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह की आ जाती है। लाइक मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, इसको रिसाइज करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर किसी और का नाम लिखता हूँ लाइक, और फिर यहाँ पर लिख देंगे एक नाम और, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ, ये हमारे दोस्त हैं जावेद आलम शेख। रोज है, इनकी चौड़ाई बढ़ जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉर्मेट का ऑप्शन, और यहाँ पे रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं हम, तो 15 बाय डिफॉल्ट होता है, तो मैं इसको 18 कर देता हूँ, सबका 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 कर दिया मैंने, और 18 करने के बाद यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए, और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है आधार नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आधार नंबर लिख लेते हैं, तो ये आधार नंबर कुछ इस तरीके से लिखता चला जाता हूँ। वैसे आधार नंबर 12 अंकों का होता है, तो ये देखिए ये कितने अंकों का हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 हो गया, 1, 12 हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। अभी अगर मैं 11 अंकों का लिखता हूँ लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अभी 11 अंकों का 10 अंकों का लिख देता हूँ, 10 अंकों में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, लेकिन जैसे ही 11 अंक करते हैं हम, देख सकते हैं आप, ये हमने कर दिया 11 अंक, तो जैसे ही 11 अंक करेंगे तो 11 अंकों में भी इसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन जैसे ही 12 करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही 12 किया मैंने तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। आप देख सकते हैं सब में ये प्रॉब्लम आएगी, और 12 अंकों से अधिक जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह की दिक्कत आपको देखने को हर एक में मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए, फिर यहां पर भी देख सकते हैं ये मैंने लिखा, अब देखिए ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, इसको हटा देता हूं, ये माइनस माइनस नहीं रहेगा। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। सही करना है तो क्या करेंगे, सही करना है तो आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जिनमें दिक्कत हो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक सवाल स्टूडेंट ने पूछ दिया था, सर जी मान लीजिए कि यहां से ड्रैग कर देंगे तो ये तो सब सेलेक्ट हो जाएगा, बीचों में एक तो है और ये है, तो इन दोनों को तो सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो ये कैसे करेंगे। तो घबराइए मत, आपको कौन कौन सा सेलेक्ट करना है, पहले ये करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए, कंट्रोल एक बार प्रेस कर लीजिए, और जिनको जिनको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करते चलिए माउस से। देखा आपने, ये सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर फॉर्मेट सेल्स पे आप चले जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी फॉर्मेट सेल्स वाली, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मेट सेल्स वाली विंडो ओपन हो चुकी है, हमें इसे क्या करना है, नंबर बना देना है। ये देखिए ये नंबर है, और यहां पर ओके प्रेस कर दीजिएगा, ये जो है ना, यहां पर आप ओके प्रेस कीजिएगा, और आप देखेंगे कि ये सारे नंबर्स अपने आप सही हो जाएंगे। ये देखिए ये सब सही हो गया कि नहीं सही हो गया, देखिए कितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी के साथ लिख पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। आपको मैं फिर एक बार दिखाता हूं, देखिए फॉर्मेट कुछ इस तरह का आ जाएगा आपके सामने, और प्रॉब्लम क्या आएगी, ये देखिए मैंने सब सिलेक्शन में ले रखा है, सेलेक्ट करने का भी तरीका मैंने आपको बताया, ये राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल्स में जाइए, और यहां नंबर पे क्लिक कर दीजिए, और ये कोई भी फॉर्मेट एक चूज करके ओके कर दीजिए। अब बस आपका काम हो गया, डबल क्लिक कीजिए इस पे, ये देखिए ये सब जो है एकदम करेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।